जय माता दी मित्रों, मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर लियो असेंडेंट मई 2023 सिंह लग्न के जातकों के लिए मई माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 5 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका सिंह लगन है, जो कि एक अग्नि तत्व लगन है और स्थिर लगन है। स्थिर लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाएँ ये काफ़ी फिक्स नेचर वाले, फिक्स चॉइसेस वाले होते हैं। ये अपने व्यवहार को, स्वभाव को समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार ये कहीं ना कहीं मतलब अपने को बदल नहीं पाते। जो कह दिया, जो सोच लिया, जो ठान लिया वही करके मानते हैं, इस तरीके का प्रभाव इन पर ज़्यादा रहता है। सूर्य से प्रभावित होने के कारण स्वतंत्र विचारधारा इनकी अंदर ज़्यादा रहती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता इनमें काफ़ी अधिक रहती है। लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी पाई जाती है। जो नेतृत्व करने की क्षमता होती है वो काफ़ी ही अच्छी इनमें होती है। ऊर्जावान होते हैं सूर्य से प्रभावित होने के कारण। साथ ही थोड़ा सा अहंकार कह लीजिए, स्वाभिमान कह लीजिए, और साथ साथ क्रोध इनको थोड़ा जल्दी आ जाता है। ऊर्जा आवेश में थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं और सभी को एक साथ लेकर, एकजुट लेकर चलने वाले होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मई माह के अंतर्गत लगन के मालिक सूर्य 15 मई तक उच्च के होकर मेष राशि में नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर सूर्य के ऊपर, सूर्य के साथ बुध का भी संबंध, राहु का भी संबंध, गुरु का भी संबंध देखने को मिलेगा। मतलब लगन का मालिक नवम भाव, धर्म भाव के अंतर्गत जा रहे हैं। विशेषतः यहाँ पर देखिए, लंबी यात्राएँ, बड़ी यात्राएँ, दूर देश प्रदेश की यात्राएँ ये होने की भी संभावनाएं बनती हुई दिखाई देगी। धर्म संबंधित कार्यों में, कर्मों में वृद्धि होगी, जहाँ पर कुछ रुकावटें राहु के प्रभाव के कारण आएगी। या ये कह सकते हैं, आप जब धर्म के लिए कुछ करने जाओगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति आपसे, आपके लिए षड्यंत्र रच सकता है, जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं आपके पूर्व कर्म या पूर्व पुण्य जो हैं, क्योंकि नवमेश पंचमेश बनकर गुरु भी नवम भाव में हैं, तो कहीं ना कहीं गुरु के द्वारा आपकी रक्षा भी होती हुई नजर आएगी। ये आप जान सकते हैं कि आप हो सकता है कि धर्म के लिए करने जा रहे हो, या किसी तरीके की पॉलिसी बनाकर आप कुछ काम करते हो तो उससे रिलेटेड भी हो सकता है ये आपका। साथ ही आपकी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी हो सकता है, या फिर कहीं अगर दूर देश प्रदेश यात्रा में जाते हैं वहाँ पर भी ये संभावनाएं बनती है कि आप जा रहे हैं किसी एक अच्छे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, और अपने आप को आप काफ़ी इस समय अपने आप को काफ़ी उच्च का महसूस करके, सूर्यदेव उच्च के हैं तो काफ़ी हाईली सेटल्ड, हाई वैल्यू सिस्टम के साथ अगर आप जाओगे तो वो भी स्थिति ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तत्व ऐसे जीवन में आ जाएंगे, कुछ व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी छवि को खराब करने का प्रयास करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो कुछ पूर्व पुण्य कह लीजिए, या पिछले कर्म कह लीजिए, या आपको कह सकते हैं कि जो इस समय से पहले जो आपने कुछ समाज के प्रति आपने किया है, वो आपके कहीं ना कहीं छवि को सुधारता हुआ ही नजर आएगा, जो मतलब कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर मेनली आप ये समझ सकते हैं। साथ ही सूर्य के प्रभाव के कारण गुरु से मतभेद होने से बचेगा, गुरु के शरण में रहिएगा। साथ ही हो सकता है पिता से मतभेद हो जाए, उससे बचिएगा, और साथ ही धर्म के प्रति वाद विवाद या अपना ही अलग तरीके से कुछ धर्म के प्रति जो चीज़ें हैं उनसे आपको बचने की प्रबल संभावना यहाँ पर, मतलब यहाँ पर बचना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। धर्म में वाद विवाद वगैरह या गलत तरीके से उस चीज़ को समझना करना, या इस चीज़ से आपको बचना है। साथ ही यहाँ पर एक स्थिति और बनती है, क्योंकि आगे चलकर आप देखेंगे कि नवमेश जो कि नाइन्थ लॉर्ड जो कि मंगल बनते हैं, 12वें घर में नीच के हो जाएंगे, वैभाव में चले जाएंगे, साथ ही सूर्य भी राहु के साथ हैं। मतलब 10 से 15 मई खास कर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य भी राहु के साथ हैं, जो कि पिता का कारक ग्रह है। साथ ही यहाँ पर मतलब राहु भी नवम भाव में गोचर कर रहा है, और गुरु जो कि नवम भाव, पिता के भाव से 12वें भाव का स्वामी हो गया, क्योंकि यहाँ से वो द्वादश हो जाता है और वो नवम भाव में गोचर कर रहा है ये, और साथ साथ शनि की भी दृष्टि पड़ रही है उस पर। ये पिता के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं पता लगती, कहीं ना कहीं पिता को एक बड़े कष्ट की स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। पिता के कारण आपको कष्ट, पिता को लेकर कष्ट, ये सारी संभावनाएं भी बनती हुई दिखाई देती है। थोड़ा गुरु के प्रति भी आप इसमें देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये संभावनाएं बनती है गुरु से संबंधित भी कष्ट आने की संभावना, गुरु के स्वास्थ्य हानि, पिता के स्वास्थ्य हानि, ये सब प्रबल संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिखती है। तो इस माह के अंतर्गत इनको लेकर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ज़्यादा कर्म करना पड़ेगा। अगर आप हो सकता है किसी धार्मिक संस्था के अंतर्गत हैं तो वहाँ पर कुछ ना कुछ विद्रोह की स्थिति बनना, ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान से अपने आप को बचाकर चलते हुए आगे बढ़िएगा।
अब देखें यहाँ पर सूर्य का प्रभाव 15 मई के बाद सूर्य वृषभ राशि में दशम भाव में गोचर करेंगे। ये एक अच्छा समय इसके लिए भी चल रहा है क्योंकि कर्म भाव का स्वामी और आपका पराक्रम भाव का स्वामी आय भाव में, विशिष्टतः आप देखेंगे कि वैसे तो आपका जो मेन ध्यान मतलब यहाँ शुरुआत में भी कह सकते हैं कि आय वृद्धि करने के लिए आप विशेष प्रयासरत रहेंगे, लेकिन 15 मई के बाद ये प्रभाव ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा क्योंकि अब आपका मेन फोकस रहेगा अपने कर्म की ओर, काम की ओर रहेगा, वहाँ पे आपकी अथॉरिटी पावर वगैरह आपका नेम एंड फेम बढ़ता हुआ नजर आएगा, कहीं ना कहीं आपका सामाजिक तौर पे आपकी जो छवि धूमिल हुई उसको आप कहीं ना कहीं से सुरक्षा प्रदान करते हुए नजर आएंगे, बचाते हुए नजर आएंगे, ये एक स्थिति बनेगी, कहीं ना कहीं आप अपने आप को बलवान भी महसूस करेंगे, ये एक प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही क्योंकि कर्म भाव लग्नेश कर्म भाव में और कर्म का स्वामी लाभ भाव में, आप कर्म करेंगे और जो कर्म करोगे उससे तुरंत आपको इंस्टेंटली आपको इनकम आपकी ज़्यादा होती बनती हुई नज़र आएगी, मतलब कहीं ना कहीं आपको आय वृद्धि या लाभ के साधन या इच्छा पूर्ति के साधन आपके ज़्यादा से ज़्यादा इस समय में फिर बढ़ते हुए भी नज़र आ रहे हैं, वो भी संभावनाएं आपको देखने को, खासकर 15 मई के बाद ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ये भी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा माता की हड्डियों में दर्द की शिकायत, इस तरीके का समस्या आपके रह सकती है क्योंकि सूर्य की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर रहेगी, थोड़ा ये प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब देखिए यहाँ पर मंगल के प्रभाव को जाने, मंगल जो कि चतुर्देश भी हैं आपके भाग्य के स्वामी हैं, पहली बात तो भाग्य के स्वामी का लाभ भाव के स्वामी के साथ शुरुआती 10 दिन जब तक मंगल मिथुन में है तब तक परिवर्तन राजयोग भी बन रहा है, तो ये एक अच्छा भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं लाभ की दृष्टि से इस समय आपका इच्छा पूर्ति लाभ की दृष्टि से अच्छा है, इस समय इसको खराब नहीं कह सकते। साथ ही चतुर्देश बनकर मंगल का गोचर मिथुन राशि में और शुक्र के साथ, मतलब कहीं ना कहीं वाहन प्राप्ति, वाहन से लाभ वगैरह होने की संभावना या फिर घर में कोई इंटीरियर डिजाइनिंग वर्क वगैरह कराना उससे रिलेटेड सुख की प्राप्ति यहाँ पर होने की संभावना बनती है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी फायदा लाभ हो सकता है। विशेषतः यहाँ पर क्या है कि प्रॉपर्टी भाव का मतलब चतुर्देश लाभ भाव में शनि की भी दशम दृष्टि पड़ रही है, लेकिन अब गुरु का प्रभाव यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ पहले से संबंधित कुछ काम अगर आप कर रहे थे तो कहीं ना कहीं वो काम भी सफल होते हुए नजर आएंगे, तो वो भी एक स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखती है। विशेषतः ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके द्वितीय भाव पर। देखिए वाणी का विशेष ध्यान रखना है, वाणी के कारक ग्रह जो कि बुध बनते हैं वो भी राहु के साथ है, शनि से दृष्ट हैं, तो झूठ बोलना करना इस तरीके की स्थिति बनेगी। विशेषतः गुरु बार बार कोई व्यक्ति कोई कहीं ना कहीं से एक ऐसी स्थिति आएगी जो कहेगी कहीं ना कहीं क्योंकि गुरु का प्रभाव भी है वहाँ पर, तो कहेंगे बार बार एक ऐसी स्थिति आएगी आप सोचेंगे ना बोले लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी एक जाल में फंस जाओगे आप राहु शनि के प्रभाव में, जिसके कारण बुध का जो प्रभाव चल रहा है जिसके कारण कहीं ना कहीं झूठ बोलना, माया रचना, छल कपट, इस तरीके की स्थिति वाणी के माध्यम से आने की संभावना है। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि भी रहेगी शुरुआती 10 दिन, तो कह सकते हैं थोड़ा परिवार के अंतर्गत भी वाद विवाद करने से, गलत बोलने से बचना है, थोड़ी दिक्कत बन सकती है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पर, कहीं ना कहीं आप अपनी संतान या प्रेम संबंध में रिलेशनशिप को सुधारने का प्रयास करेंगे। विशेषतः शुक्र मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग बनवाने में यहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं आप प्रेम प्रसंग में पड़ सकते हैं। और एक बात और, यहाँ पे प्रेमी अथवा प्रेमिका का जो मिलने का मिलन होगा वो कहीं ना कहीं किसी धार्मिक क्षेत्र पर होने की भी संभावना है, इसी कारण यहाँ पर ये भी कह सकते हैं क्योंकि गुरु बनकर जाकर वहाँ पर राहु के साथ, तो कहीं ना कहीं आपका प्रेमी अथवा प्रेमिका से जो मिलन होगा वो किसी धार्मिक क्षेत्र में या उच्च शिक्षा अगर आप कहीं करने जा रहे हैं बाहर विदेश में भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको कोई प्रेमी अथवा प्रेमिका आपका मतलब कहीं ना कहीं मिलन होता हुआ नजर आ सकता है, ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी। साथ ही यहाँ पर मंगल की फिर आठवीं दृष्टि रहेगी, मतलब 10 मई तक एक अच्छी स्थिति है कि अगर नौकरी वगैरह से संबंधित वो आगे भी आपको अच्छी ही मिलेगी क्योंकि मंगल 12वें में भी जाकर सप्तम भाव को दृष्ट करेंगे, तो ये पूरा माह कह सकते हैं अगर आप किसी तरीके के कंपटीशन की तैयारी करें वहाँ पर भी लाभ आपको मिलेगा, नौकरी वगैरह में भी आपको फ़ायदा मिलेगा, जॉब इंटरव्यू वगैरह किसी तरीके का देना चाहते हैं तो वहाँ पर लाभ मिलेगा, आप आसानी से कंपटीशन को क्लियर करके आप आगे निकल जाएंगे और आपको लाभ मिलेगा, तो ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। वैसे भी 15 मई के बाद तो आप कर्म जो भी करेंगे और उसका तुरंत आपको लाभ भी मिल रहा है, इच्छा पूर्ति भी हो रही है, तो यहाँ पर अच्छी स्थिति है कि जो व्यक्ति जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए अब समय काफ़ी अच्छा है, उनको लाभ मिलेगा। वैसे भी शिक्षा भाव पर पंचम भाव पर गुरु की भी नवी दृष्टि पड़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा से संबंधित आपको भाग्य अवश्य प्रदान करने वाली रहेगी, तो ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए मंगल का प्रभाव कर्क राशि के अंतर्गत जाएगा, 10 मई के बाद मंगल कर्क राशि में गोचर करेंगे पूरे माह आगे, तो यहाँ पर ये चतुर्देश और नवमेश बनकर 12वें घर में, ये कहीं ना कहीं बाहर से विदेश से भाग्य को बताता है कि बाहरी क्षेत्रों में आपको भाग्य का लाभ आपको मिलेगा, फायदा मिलेगा, तो ये एक स्थिति बनेगी। थोड़ा चतुर्देश का 12वें में थोड़ा माता से संबंधित तो कष्ट यहाँ पर दिखेगा, कहीं ना कहीं अगर देखें तो इसमें आप माता और पिता दोनों का ही प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर परेशानी बनती हुई दिख रही है, तो ये और वैसे भी शनिदेव की दशम दृष्टि कर्म दृष्टि चतुर्थ भाव पर है,
तो माता की तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। यहाँ पर यह भी समस्या बन सकती है कि कई पिता को ज़्यादा कष्ट हो रहा है जिसके कारण माता चिंतित है, जिसके कारण माता की भी आपको परेशानी, मतलब यहाँ पर ये इस तरीके की समस्या भी देखने को मिल सकती है। मंगल का 12वें घर में प्रभाव जो कि नवमेश्वर है, देखो यहाँ पर धार्मिक कार्य पर खर्चा होने की प्रबल संभावनाएं भी बनती है कि धर्म धार्मिक कार्य या फिर हो सकता है कि उच्च शिक्षा से संबंधित कार्य के लिए विदेश जाकर वहाँ पर खर्चा हो, ये भी प्रबल संभावनाएं बनती है। व्यर्थ के झगड़ों में पड़ने से बचेगा क्योंकि झगड़ों में पड़ सकते हैं और जिसके कारण परेशानी का कारण आपका बनेगा, कहीं ना कहीं आपकी छवि ही खराब होगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि पराक्रम पर विशेष से पराक्रम भी बनाएंगे, ऊर्जा उत्साह आपका बढ़ाएगी, उस ऊर्जा का सही डायरेक्शन में आपको उपयोग करना है। वहीं मंगल की सीधी दृष्टि सिस्टम भाव पर, ये सब अभी बताया आपको, नौकरी वगैरह में शत्रुओं पर विजय भी दिलाएगी, नौकरी इंटरव्यू वगैरह जो इंटरव्यू वगैरह में आपको सफलता फायदा आपको मिलता रहेगा, कंपटीशन वगैरह में विजय रहेंगे, कहीं ना कहीं अपने मतलब ये एक स्तरीय थोड़ा मामा मौसी के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास करेंगे क्योंकि इससे पहले 10 मई तक कहीं ना कहीं उनसे संबंधित थोड़ी परेशानी बन सकती थी। अब इसके बाद देखिए मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर, सप्तम भाव में स्वयं शनि गोचर कर रहे हैं, शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में है तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है, व्यापार से संबंधित बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा शनि शनि धीरे धीरे और कह सकते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के अंतर्गत भी शनिदेव का बड़ा प्रभाव की लाइफ पार्टनर की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ रही है। वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर की हेल्थ को प्रभावित कर सकती है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकती है, झगड़े की भी स्थिति ला सकती है, मतलब थोड़ा कहीं ना कहीं आर्गुमेंट झगड़ा कष्ट की स्थिति जिसके कारण थोड़ा ये एक प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वाद विवाद करने से बचिएगा, आपको बचना चाहिए क्योंकि यहाँ पर वाणी पर भी आपका प्रभाव खराब ही आ रहा है, बुध के साथ जो प्रभाव है राहु का शनि का, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक सलाह गुरु के द्वारा, यहाँ पे गुरु पंचमेश बनकर जो गुरु का जो राहु के साथ संबंध है और बुध के साथ संबंध है, सूर्य के साथ संबंध है, तो वो कहीं ना कहीं आप इस सलाह को अवश्य मानते हुए नजर आएंगे और जिसके कारण अपनी वाणी पर आप ध्यान देंगे और अच्छे से बोलने का तरीके से बोलने का आप प्रयास करेंगे, किसी भी तरीके का गलत वाक्य उपयोग नहीं करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं देखिए यहाँ पर बुध का प्रभाव जो कि धन भाव के स्वामी हैं, आय भाव के स्वामी हैं, नवम में जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं परिवार से दूर जाकर आपको भाग्य का साथ मिलेगा, धन आय के साधन बनेंगे आपके, वो एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। साथ ही बुध के प्रभाव में बुध के साथ जो राहु का जो संबंध आ रहा है, थोड़ा सा पेपर वर्क वगैरह चेक करके ही काम करिएगा और फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों में भी आपको ध्यान रखना है, किसी तरीके की गलत ट्रांजेक्शन ना हो जाए उस बात का विशेष ध्यान रखना है। वैसे तो गुरु आ गए हैं तो गुरु का प्रभाव है लेकिन बचाएंगे, लेकिन फिर भी आपको इस बात में थोड़ा ध्यान रखना है, ये स्थिति। साथ ही धन का मालिक आय का मालिक नवम में कहीं ना कहीं पिता पर, गुरु पर, उच्च शिक्षा पर, यहाँ पर या फिर धार्मिक चीज़ों से संबंधित, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक चीज़ों से संबंधित वहाँ पर ज़्यादा धन खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, उससे संबंधित धन का आपका खर्चा भी होगा और वो खर्च होने से आपको फायदा, आपको लाभ ही होता हुआ दिखाई देगा, वो भी एक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर शुक्र का जो प्रभाव है, चूँकि शुक्र कर्मेश भी हैं, पराक्रमेश भी हैं, आपके आय भाव में विशेषतः आप अपनी आय को बढ़ाना चाहते हैं, हो सकता है आप अपने चाचा मित्र बड़े भाई बहन उनसे साथ जुड़कर वहाँ पे आप अपनी इनकम को मतलब बढ़ाने का प्रयास करें उनके साथ मिलकर, ये भी एक स्थिति बनेगी। साथ ही शुक्र का प्रभाव है तो यहाँ पर एक और स्थिति है कि इस माह के अंतर्गत आपको कहीं ना कहीं स्त्रियों से भी लाभ या लड़कियों से स्त्रियों से लाभ होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी, प्रेम संबंधों में यहाँ पर बढ़ोतरी कह सकते हैं, प्रेम संबंध नए प्रेम संबंध बनते हुए दिखाई देंगे, वो भी एक प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। साथ ही यहाँ पर अब देखें अगर हम गुरु के प्रभाव को, गुरु जो कि अष्टमेश भी हैं और पंचमेश बनकर आपके नवम भाव में है और ये यहाँ पर शनि की दृष्टि, तो ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं इस केस में कि आप कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए अब समय आ गया है, धार्मिक कृत्य करना चाहते थे, कुछ अनुष्ठान करना चाहते थे, वो एक समय आ गया है, धार्मिक यात्राओं में वृद्धि होगी, तो कुछ लोग होते हैं कि जो लंबे समय से प्लान कर रहे होते हैं कुछ तीर्थ यात्राओं को, तो वह प्लान कर सकते हैं, उनकी यहाँ पर यात्रा होती हुई भी दिखाई देगी, तो ये एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हमने बताया है कि भी लव पार्टनर जो मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपको धार्मिक क्षेत्र में मिल सकता है, तीर्थ क्षेत्र में मिल सकता है, उच्च शिक्षा करने जा रहे हैं वहाँ मिल सकता है, गुरु के आश्रम में हो सकता है, कितनी बार व्यक्ति अपने गुरु से कनेक्ट होता है वहीं पर उसको एक ऐसा पार्टनर मिल जाए जो वो भी उन्हीं गुरु को मानता हो, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपका मिलन हो सकता है, तो ये सारी संभावनाएं यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। वहीं गुरु की देखिए 5वीं दृष्टि लगन पर अभी तक आप क्या पा रहे थे कि शनि का प्रभाव और राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं आपको शारीरिक रूप से परेशानी, मानसिक रूप से अशांति दे रहा था, सर पर एक बोझ कह सकते हैं परेशानी बनी हुई थी, वहीं गुरु की दृष्टि अब अमृत प्रदान करने वाली रहेगी, आपको कहीं ना कहीं क्लियरिटी देगी, शांति देगी, सुकून देगी, ज्ञान भी देगी, मतलब अध्यात्म की भावना, धर्म की भावना आप में बढ़ाएगी, तो उन सारी दृष्टि से। साथ ही आपके अगर कहीं ना कहीं आपका नेम एंड फेम से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही थी, आपकी सामाजिक तौर पर छवि अगर थोड़ी ख़राब भी हो रही थी तो वहाँ पर उसको भी सुधारती हुई नजर आएगी। देखिए शनिदेव की सीधी दृष्टि जो कहीं ना कहीं लगन शनि का काम थोड़ा सा शय करते रहना है, तो कहीं ना कहीं शनि की दृष्टि के कारण आपको कहीं ना कहीं आपके शारीरिक रूप से कुछ
तत्वों की कमी का हो जाना, थकान महसूस होना, हार्डवर्क बहुत अधिक बढ़ना और साथ ही थकावट बहुत ज़्यादा होना, ये एक स्थिति कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करते हैं, तो वो एक स्थिति शनि का प्रभाव अगर दे रहा था, वहीं राहु का भी प्रभाव था, तो ये दोनों ही इम्पैक्ट के कारण हो सकता है, क्योंकि शनि के यहाँ पर प्रभाव में कहीं ना कहीं बाल झड़ने की, इस तरीके के हेयर फॉल वगैरह, इस तरीके की समस्याएँ आपको चल रही थी। तो वहीं गुरु का जब प्रभाव आएगा, जो चल रहा है अब, मतलब इस माह में अगर हम देखें 22 अप्रैल से चालू हो चुका है, तो ये आपको कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों में रिलीफमेंट देगा, आराम देगा, तो ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। या ये कह सकते हैं कोई भी अगर आपको सॉल्यूशन आपको मिला है किसी तरीके का, उससे संबंधित मेडिसिन मिली है, तो वो आपको फायदा देने वाली रहेगी। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर भी रहेगी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो रहेगा प्रभाव, वो छोटे भाई बहनों से सुख लाभ आपको देने वाला भी रहेगा, साथ ही साथ आपकी छोटी छोटी यात्राओं से आपको लाभ भी मिलता हुआ दिखाई देगा, और आपके आस पड़ोस के व्यक्तियों से भी आपको लाभ वगैरह मिलता हुआ दिखाई देगा, वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। साथ ही कम्युनिकेशन से रिलेटेड या फिर लेखन संबंधित कार्य में वृद्धि रहेगी, वहाँ से भी लाभ मिलेगा। सोशल मीडिया से जुड़कर आप काम करें, वहाँ से लाभ मिलेगा। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फील्ड में, वहाँ पर भी आपको लाभ ये देता हुआ नजर आएगा। वहीं गुरु की नवी दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पर। देखिए, जो निसंतान है वो चाइल्ड प्लानिंग कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय आया है कि निसंतान को संतान प्राप्त हो जाएगी, साथ साथ शिक्षण संबंधित कार्य में वृद्धि होगी। साथ ही आपको देखिए शेयर मार्केट से रिलेटेड अभी थोड़ा बचकर चलेगा, क्योंकि गुरु के साथ राहु तो है, और एक बात का ध्यान रखना कि कोई संतान भाव का स्वामी के साथ, गुरु के साथ राहु, ये कहीं ना कहीं आपके संतान की संगत को थोड़ा बताता है कि कहीं ना कहीं किसी गलत संगत में पड़ सकती है, तो थोड़ा ध्यान आपको देना वहाँ पर चाहिए, क्योंकि गुरु अभी थोड़ा पीड़ित अवस्था में रहेंगे राहु के साथ शनि से दृष्टि, तो थोड़ा तो आपको ध्यान यहाँ पर देना पड़ेगा ही। और साथ ही यहाँ पर अष्टमेश गुरु का संबंध आया, तो थोड़ा वो पिता को लेकर दिक्कत देगा, ये यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। इसके बाद देखिए शनि का प्रभाव, जैसे कि बताया शनि आपके षष्ठेश हैं, सप्तमेश है, सप्तमाह में मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत हैं। देखिए ये षष्ठ राजयोग बनाएंगे, ये पद प्रतिष्ठा आपको दे सकते हैं, आपको पद प्राप्ति करा सकते हैं, साथ ही आपका व्यापार वगैरह आपका हो सकता है, व्यापार चालू कर दें, व्यापार में आपको फायदा देंगे, वो भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर शनि की कही जाएगी। तीसरी दृष्टि संघर्ष लाती है भाग्य, मतलब आपको मेहनत, क्योंकि लगन पर दृष्टि है, तो मेहनत इतनी अधिक करवा देगी कि आपको ऐसा लगेगा मेरा भाग्य साथ ही नहीं दे रहा है, वो भी एक स्थिति यहाँ पर शनिदेव का प्रभाव लाएंगे। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि, चतुर्थ भाव पर भूमि भवन वाहन से संबंधित विशेष कर्म, माता को लेकर बड़ी जिम्मेदारी, माता से संबंधित कर्मों में विशेष वृद्धि यहाँ पर देखेंगे आप, इस तरीके का प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही सप्तमी सप्तम भाव में है, तो यहाँ पर शादी होने के भी योग बनते हैं। अगर हम देखें तो गुरु की दृष्टि के कारण यहाँ पर आपको गुरु की दृष्टि के कारण आपके संतान प्राप्ति भी, और स्वराशि मूल त्रिकोण राशि में सप्तमी सप्तम भाव में ये विवाह भी कराने के लिए मतलब आए हैं। बस ये हो सकता है कि आपके अगर लगन राशि से गुरु का भी दृष्टि अगर कहीं से पड़ जाए आपके चार्ट में, तो फिर आपकी मतलब और दशा भी आपको सप्तम सप्तमी से संबंधित, और उम्र भी आपकी अगर यही चल रही है, तो विवाह होने की भी प्रबल संभावना यहाँ पर शनिदेव बताते हैं, तो ये भी एक स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं देखिए यहाँ पर राहु का जो प्रभाव है, राहु केतु का प्रभाव, देखो राहु का प्रभाव जो आपके नवम भाव में चल रहा है, सूर्य के साथ राहु है, तो थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको आपकी संगत का भी आपको ध्यान रखना है, खासकर 15 मई तक विशेष तौर पे कि गलत संगत में नहीं पड़ना है, गलत लोगों से नहीं जुड़ना है, और थोड़ा सा आप क्या गलत कदम उठा सकते हैं, तो उन गलत कदम को उठाने से भी आपको बचना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आत्मिक स्तर पर आप एक किसी पीड़ा को ध्यान में रखते हुए कुछ गलत कदम उठा सकते हो, थोड़ा ध्यान रखना है। गुरु के शरण में रहना है, धार्मिक जगहों पर जाना है, धर्म कर्म के कार्य में रुचि बढ़ेगी भी और रहना है, तो वो एक बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पर क्या है कि राहु ये कहीं ना कहीं आपके भाग्य के मामले में रोड़े अटकाने का काम भी कर रहा है, और जो भी प्रभाव भी तो रहेगा ही, लेकिन क्या गुरु के आने से काफ़ी हद तक इसकी शांति होगी, पूर्णतः खत्म तो नहीं होगा यहाँ पर उसका रोल, लेकिन कहीं ना कहीं आपको शांति मिलेगी। हो सकता है कि जो काम बिल्कुल नहीं चल रहा था, अब वो थोड़ा आपका चलना शुरू हो जाए, जिससे मन को थोड़ा सुकून मिल जाए, आपको ऐसा लगे कहीं ना कहीं कुछ तो वर्क किया है। और वो करेगा कैसे, वो कहीं ना कहीं मंत्र से करेगा, क्योंकि पंचमेश बनकर गए हैं नवम भाव में यहाँ पर। अब आप जैसे ही मंत्र अगर आपने चालू कर दिए, तो आपके अब मंत्र में काम करना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि आपने पहले कभी मतलब इससे पहले आपने किसी से कंसल्ट किया हो, या फिर आपने जो भी कुछ आपने जो भी आपके इष्ट से संबंधित कोई भी अगर आप मंत्र का जप कर रहे थे, वो आपको ऐसा लगने लगा कि मंत्र काम ही नहीं कर रहा है, कि जो मेरे को सफलता मिलनी चाहिए थी, या जो भाग्य मतलब जो मुझे प्राप्त करना था, वहाँ पर कहीं ना कहीं हर एक काम में रोड़े अटक रहे हैं, भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो ये एक स्थिति अगर आपके साथ बन रही थी, तो वहीं अब ये गुरु का प्रभाव आपको फ़ायदा देता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर यही रहेगा कि कहीं ना कहीं आप जब मंत्र साधना करेंगे, मंत्र जप करेंगे बेसिकली यहाँ पर, तो वो आपके लिए रिलीफमेंट लेकर आएगा ही आएगा। केतु का प्रभाव जब तृतीय भाव में, ये कहीं ना कहीं आपको
अगर आप कोडिंग से रिलेटेड वर्क करते हैं सॉफ्टवेयर फील्ड में तो वहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा करेगा। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, लेखन संबंधित काम करके करिएगा, थोड़ा कम्युनिकेट करते वक्त थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि कुछ हो सकता है कि आप कुछ जो आप कहना चाह रहे थे वो ना कह पाएँ, इस तरीके के विचार आपके साथ आ सकते हैं। और साथ ही ये आपको केतु का प्रभाव आपको हेडलेस पराक्रम हेडलेस तरीके से कुछ ऐसे एडवेंचर्स वर्क करा सकता है। मतलब एक व्यक्ति होता है कि कुछ किसी तरीके का कुछ करतब दिखाता है या फिर कुछ स्टंट मारता है और वो भी हेडलेस होकर अगर देखा जाए तो इस तरीके का काम करा सकता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को ध्यान रखना है क्योंकि अभी सूर्य के ऊपर राहु केतु का प्रभाव जो रहेगा 15 मई तक वो कहीं ना कहीं आपको गलत चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट ला सकता है, तो थोड़ा आपको उससे रिलेटेड ध्यान रखना चाहिए। वैसे धर्म भाव में गया है तो कहीं ना कहीं अगर आपके गुरु की शरण में धर्म की शरण में है तो फिर आपके अच्छे से रक्षा होती हुई दिख रही है, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं रहेगी। खासकर अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 2 से 4, 8 से 10, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 24, 29 से 31, ये दिन आपके लिए शुभ है, लाभ रहेगा इस दिनों के अंतर्गत। अशुभ दिन 4 से 6, 10 से 13, 15 से 17, 17 से 19, 24 से 26, ये दिन आपके लिए अशुभ दिन है। अशुभ दिनों में मानसिक तनाव, रोग, रिपोर्टिंग, झगड़े का संबंध थोड़ा सा नेगेटिव ये रहेंगे। साथ ही जो दिन कॉमन आते हैं उसमें मिला जुला प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। यात्रा के युग में अकस्मात यात्रा हो सकती है 10 से 13, 15 से 17 की। वैसे भी लग्न जब नवम में जाता है तो यात्राएं होंगी, बड़ी यात्रा होंगी वैसे कि यहाँ पे। और मनोरंजन की यात्रा 13 से 15 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 4 से 6, 17 से 19 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम में खुशी के लिए यात्रा 24 से 26 की हो सकती है। संघर्ष के साथ यात्रा 4 से 6 की हो सकती है। अमावस्या की डेट लिखी हुई है, उपाय क्या करना चाहिए? देखिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहिए क्योंकि अब आपको गुरु के प्रभाव को बढ़ाना है। चंदन का तिलक लगाइए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करिएगा, साथ ही शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहिए, शिवालय जाते रहिए या गुरु के आश्रम में जाते रहिए, आपको लाभ रहेगा जिससे राहु को कहीं ना कहीं नियंत्रण में बना रहेगा। देवालय जाइएगा, मंदिर जाइए, कहीं ना कहीं जाते रहिए आप, मतलब किसी धार्मिक स्थल पर विशेषतः जाते रहिए। साथ ही राहु के प्रभाव को कम करने के लिए आप दुर्गा माता का मंत्र निवारण मंत्र नवम भाव में ही ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चई इस मंत्र का जाप करते रहिए। ये मंत्र कहीं ना कहीं सूर्यास्त के बाद अगर आप करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छे परिणाम देगा। अगर आपकी दशा भी राहु की है, राहु का नवम भाव में गोचर चल रहा है, पीड़ा आ रही है, काम अटक रही हैं, ये करिएगा आपको लाभ मिलेगा। और अब अच्छे से लाभ मिलेगा क्योंकि अब कहीं ना कहीं मंत्र आपके लिए काम करने शुरू कर देंगे। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है, शनिवार को गरीबों को भोजन कराना है। और अगर आपको शनि के कारण ज़्यादा ही समस्या बन रही है, आपकी जन्म कुंडली से संबंधित परेशानी है और अब इस समय जो गोचर में सप्तम शनि चल रहे हैं दिक्कत दे रहे हैं, आपको काफ़ी थकावट महसूस कर रहे हैं, शरीर का व्यय करा रहे हैं, जैसा कि हमने बताया किसी तरीके को शनि का काम व्यय कराना होता है, तो इस तरीके की स्थिति अगर बन रही है तो 7 शनिवार 700 ग्राम काले तेल भी अगर आप दान करें तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो मित्रों जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।